होलिका भली थी या बुरी थी ये तो मैं नहीं जानता, पर पढ़ लिख कर इतना जरूर समझा कि होली किसी स्त्री को जिंदा जलाकर जश्न मनाने की सांकेतिक पुनरावृत्ति है। अभी तक मेरे मन में उठे इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं पाया कि रात्रि में ही क्यों किसी स्त्री को जलाया गया। अभी तक रात्रि में शब्द आगे परंपरा किसी संस्कृति में नहीं है। होलिका का दोष क्या था? होलिका को किसने जलाया? क्या होलिका को जलाते समय उसके परिजन वहाँ मौजूद थे? अब मैं उस त्यौहार के लिए आप सबको कैसे बधाई दूँ, कैसे शुभकामनाएँ दूँ? जो होलिका दहन करता है क्या वह स्वयं अपने अंदर की बुराई को जला पाया है? यदि नहीं तो उसे किसी दूसरे बुरे आदमी या बुरे स्त्री को जलाने का अधिकार किसने दिया? आज वही लोग होली की बधाई दे रहे हैं जिन्होंने कभी फील्ड में जाकर कैडर नहीं लिया, ना ही फील्ड में जाकर अपने समाज को जगाने की प्रयास किया। मूल निवासी बहुजन विचार तो उनके आसपास कभी फटका ही नहीं, उल्टे ब्राह्मण को देखकर उसकी हाथ से पैलग्गी करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है और वह नीच है। नारी सम्मान की तो बात ही छोड़ दें, उल्टे उसको पैर की जूती बनाकर समझते हैं। और आज वही महिलाएं होलिका की बधाई दे रही हैं जिन्हें संविधान की बदौलत पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का मौका मिला, किंतु उन्हें भी शायद किसी दूसरे महिला की सम्मान की चिंता नहीं है। तथाकथित होलिका का अपराध इतना था कि उसने अपने बड़े भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई और उसको आज तक रात में जलाते आ रहे हैं, जबकि रात में किसी को जलाया नहीं जाता। होली की बधाई देने वाले जरा ध्यान से कान खोल कर सुनो, तुम्हारे जिगर में दम है तो परशुराम ने भी अपने पिता के कहने पर अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया था, उसको जलाकर दिखाओ। इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का सील भंग किया था, उसको जलाकर दिखाओ। इसके अतिरिक्त पूर्व काल में भी लेकर अभी तक बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर दम निकल जाएगी। माफ़ कीजिएगा, मैं इस स्त्री विरोधी त्यौहार में आपको बधाई ना दूंगा ना ही शुभकामना लूँगा। मेरे विचार से आप भी सहमत हो ये ज़रूरी नहीं।